गुलचार को अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम मिजान अकरम बलूच एक नुकी सराहा लिया गुना शुमे खिदमत हाजरे मर्चिंग रुचा माती जबानानी मायन उस्तुमानी रोच दारक बह गए कुल्ले जहान आ पाकिस्तान बड़े मुल्क के तहा शुरू अचे इदा जो कसाने कौमानी जबान बुतगा आयनी गुना जो इम्तियाजी रवैया बुता या इम्तियाजी सलूक बुता अंगा तक मैं बिछा रहे हैं कि आ बढ़ जाएँ ख़ासतौर पर चाहे आ बलूची ज़बान में भी या सिंधी ज़बान में भी या दिगे बाज़ें ज़बान में बाँ आयनी गुना एक इम्तियाजी रवैये इत हुक्मराना नहीं या आयनी एक माइंड सेट है झूठ बुता इसके अलावा अगर मैं बिछा रहे हैं मर्ची बांधा मीडिया जो शरें वड़िया दिमात का वो ना सिर्फ आ ज़बानानी देम रवैये वास्ता कार कने गया बल्कि मुख्तलिफ़ कौमानी जो कल्चरें यानी दो दो रवे तक गें आए ना हम देमा बर गें हमें हवाले मर्ची बांधा मैं बेचारे के बलूचिस्तान भी वती टी वी चैनल वश न्यूज़ आ एक आरा देमा बर गें सियासी सूरत आला का मैं बलूचिस्तान बेचारें कि मर्ची बलूचिस्ताना यक आसे रोकें वो बलूचिस्तान आवाज़ अमरीकी एवाना तक सरबुता बेन अलकौमी दाराना गप्तरान बह गए इंसानी हक्कानी खिलाफ वर्जी बाबत आ भले पाकिस्तान तहा मीडिया के न सिर्फ वतारा जिम्मेदार गुशी बल्कि वतारा आज़ाद हम गुशी आ मीडिया भी माँ सरपत भई या तो दानिस्ता या तो गैर दानिस्ता या तो आ बलूच दूधा वाकिफ नहीं बलूच रिवायत वाकिफ नहीं या बलूचिस्ताना चे वाकिफ नहीं आ अंचे किरदे अदा कर गए या तो अमोबुत खुद का के आ जानबूझ कर ए वड़े किर दे देमा कार गए माँ शुमारा दो अंचे प्रोग्रामा नहीं क्लिप लाते पेश दारें और माँ शुमारा चे दसबंदी करें कि क्लिपाना बाज बारीक भी नहीं अच्छे बेचारे शुमारा बाज ही चीज़ें जा कहे कि आया ए कौमी चैनल ना सिर्फ मैं सियासी लीडरा नहीं गुना ची सलूक कर गया और पदा बलूचिस्तान कल्चर बलूचिस्तान दो दो रबे दगे छे अंदाजा तजहीक छे अंदाजा मजाक उड़े न गया बात बारीक भी नहीं है सारा बेचार है माँ या किले पे हमारा पेशदार ने लूटे आ माँ हमारा पेशदार ने लूटे के बलूचिस्तान एक सियासी लीडर ये गुना यक एंकर पर्सन ये अंदाजा शुमा बेलगे ने के अच्छे सलूक है अगर ये बड़े प्रोग्राम मैं केरा बेबे हाँ और ये प्रोग्राम आने तो का ये पे बदमजगी भी गुड़ा एक एंकर पर्सन ये छह जिम्मेदारी बनी मैं हमारा पेज दरना लूटे बे बेचारे ये आपके लिए शर्म का बात है कि आप मुशर्रफ जैसे बेजमीर मुर्तद आदमी को साफ कह रहे हैं ये वाजिबुल कत्ल करार दिया गया है 36 उलमाओं के जरिए इसने लाल मस्जिद पर जो किया इसको आप एक इंतहाई गधे और बेवकूफ आदमी है और आप शराब के नशे में बोल रहे हैं आप एक स्टूपिड आदमी है और आपकी इतनी हिम्मत हो तो आप आए इस्लामाबाद में ये बात करें ताकि आपको हम नाक से पकड़ के जमीन पे गटर में फेंक दें बेवकूफ गधे तुम एक बेवकूफ और गधे आदमी हो और कुछ नहीं हो तुम कौन हो बताओ मेरा नाम मोहम्मद अली सैफ है और मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा तुम जो मुशर्रफ के बारे में इस तरह की बात करते हो बेवकूफ गधे तुम इस तरह की बात आइंदा कभी ना करना टीवी पे अगर हिम्मत है तो मैदान में आके बात करो मैं आ रहा हूं इस्लामाबाद आ जाओ आ जाओ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा शराबी शराबी कबाबी तुम्हें मैं ठीक कर दूंगा बेवकूफ तुम पाकिस्तान के दुश्मन हो तुम अपनी जात के दुश्मन हो तुम अपने खानदान के दुश्मन हो भाग जाओ यहां से तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है ओ भाई तुम दो टके के आदमी और तुम दो टके के गधे स्टूपिड आदमी हो स्टूपिड आदमी हो और इससे ज्यादा तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है बंद करो इसको यार कामरान ये इसके साथ मेरी बात ही ना कराओ स्टूपिड आदमी है नहीं मैं तो मुफ्ती साहब से सर ये पूछा था सवाल जिसमें आप जो है वो ये किसको आपने बिठाया आपने तो नहीं आपने नहीं बिठा मुझे बताया कि दो दो टके के आदमी आपने बिठाया दो टके का तुम हो यार तुम दो टके का जिसको अपने बाप ने आग किया था आज तुम अपने बाप की कब्र पे जो है पैसे बना रहे हो सियासत कर रहे हो तुम्हारी हैसियत क्या है तुम्हें तो अकबर मुफ्ती साहब ने आग किया हुआ था शराबी तुम आकर यहाँ पे बात करते हो लोगों को बेइज्जत करने को तुम्हारी तुम्हारे वो मौलवी जिन्होंने फितवा दिया था कत्ल का मैं उनके कत्ल का फितवा देता हूं क्या बात कर रहे हो तुम तो खुद दो टके के आदमी हो तुमको उसको कत्ल करने की हिम्मत तो करो तुम्हें मैं खुदा की कसम कोयटा में आके तुम्हें मरवा दूंगा तुम्हें मैं खुदा की कसम कोयटा में आके तुम्हें मरवा दूंगा क्या बात कर रहे हो तुम तुम्हारी इतनी हिम्मत है जाओ अपने बाप का बदला उन लोगों से लो जिन्होंने तुम्हारे बाप के खिलाफ बंदूकें उठाई थी मुशर्रफ के खिलाफ क्या बात कर रहे हो स्टूपिड राइट फिलहाल मुफ्ती साहब जा चुके हैं
और प्रोग्राम जो है वो मैं किया किसी परस्पेक्टिव और से था, माहौल उसका दूसरी तरफ चला गया। लश्कर जसानी साहब, प्रोग्राम में ब्रेक से पहले जो बात हुई थी, अगर मैं आपकी तरफ दोबारा उस बात पे आ जाऊं, बैरिस्टर सैफ साहब ने एक बात तो बड़ी वैलिड कही। जी कामरान साहब, मैं अर्ज करूं अगर आप सीरियसली बलूचिस्तान पे बात करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना जिस माहौल के बाद आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। मेरे आदाब, मेरे वैल्यूज कतन इजाजत नहीं देते हैं कि इस किस्म के महफिल में बैठूं जहां लोग गालियां दे रहा हूं और गधे और फलाना। बहुत शुक्रिया आपका, मैं इसके बाद बात नहीं करूंगा। जिसको आपने बिठाया है उनके साथ बात करें, बलूचिस्तान आपसे दूर निकल चुका है। बहुत शुक्रिया आपका। बोले चारों का शुमा एक क्लिप चारित बाज यकीन शुमा दिलजुए गुना ये चारिता और शुमा बाजी चीज़ें नोट हम कुता और मत शुमारा दो में एक दगे कौमी चैनलिए यक सोबे प्रोग्राम में आइए तो का आप बलूचिस्तान एक कल्चरा प्रेजेंट करे गए बस हमारे पेशदार ने लौटे। मैं मिलवाऊंगी आपसे कुछ उन लोगों को जिन्हें हम तमाम लोगों ने, मुझ समेत और मीडिया समेत तमाम लोगों ने इग्नोर किया है आज तक, लेकिन आज अब वक्त आ गया है कि हम उसके उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करें और उन लोगों को भी आगे लाएं, उन्हें ड्यू रिस्पेक्ट दें, ड्यू प्लेसिंग दें, टीवी में भी और अपनी यू नो जब हम फनकारों की बात करते हैं तो आर्ट में भी। एक ब्रेक लेते हैं। अब्दुल रहमान साहब, क्या बात, आपने क्या काम किया डंपर? पहले सच्ची सच्ची एक बात बताएं जी, एक मुझे बात बताएं, ये बताएं कि अख्तर साहब ओबामा आपका कजन है? ओबामा? हाँ। ओके ओके, ठीक है। आपके घर में कौन देख रहे हैं? बच्चियां हैं मेरी, वाइफ नाम है। तो बताएं नाम? नाम बहुत सारी बच्चियां, 7 बच्चियां हैं मेरी। है? अच्छा, अल्लाह की मेहरबानी। सारी बच्चियां? अरे कि, बीवियां कितनी हैं? एक ही बीवी है अल्लाह की मेहरबानी से। हम चलते हैं और दिखाते हैं बलूचिस्तान की सरजमीन से एक और हीरा। भाई म्यूजिक यही रख लें, खतरनाक वाला। और लेकिन वो अभी उन्होंने पूरे कपड़े पहने हुए, तो हम उन्हें बुलाते हैं, मिस्टर फिदा हुसैन, मिस्टर पाकिस्तान 2007। बलूचिस्तान से आया हुआ आज बहुत सारा टैलेंट मेरे इस पास है, तो सारे लोग हमारे साथ हैं और भी टैलेंट अभी मैं आपसे मिलवाऊंगी। इन सारे के सारे लोगों का जो है ताल्लुक प्यारे बलूचिस्तान से है। कादर वारसी साहब, क्या आपको ये कुछ बलूचिस्तान की तारीख के बारे में बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम कादर साहब, ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? वेलकम टू द शो। जी जी बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? थैंक यू। आज बड़ी खुशी हुई कि आपने ऐसे सीनियर लोगों को और ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर को बुलवाकर पब्लिक के सामने लेकर आई। ये जियो का बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है कि लोगों को आपने इतना उजागर करके दिखाया हमारे। बलूचिस्तान की जो कराची में पॉपुलेशन है वो वहाँ है इस इलाके में, और आप तमाम लोग वहाँ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, जो जो कराची है वो लियारी से ही बना। सही है, लेकिन तोता वो आपकी जुबान बोलने लगता है। गधों से कुछ ज्यादा है जी, गधों से कुछ ज्यादा प्यार है ना, कि वो एक प्रोफेशनल तौर पर ना लियारी में। हाँ जी, उससे लोग ज्यादा उससे मोहब्बत करते हैं। हाँ। क्योंकि पहले सवारी का जरिया है ना, पहले इंजन नहीं थे। हाँ। तो फिर गधों के जरिए जो ना वो माल इधर उधर ले जाते थे। लेकिन भाई एक बात है, एक जो चीज मुझे अजीब सी कभी कभी लगती है, आप लोगों के बालों का टेक्सचर जो है ना एक मखसूस किस्म का होता है, कर्ल होते हैं, टाइट कर्ल्स होते हैं, और तो आप लोग फिर उसको किस तरह से फैशन आ जाता है, नए नए आगे बढ़ रहे हैं, तो कभी स्ट्रेटनिंग कराने की जरूरत पेश आई है, कभी रिलैक्सिंग कराई है? अच्छा छोड़ो ना भाई, लड़कियां किसको पसंद करती हैं ज्यादा ये बताओ, सीधे वाले वाले लड़कों को गए ये कर्ल्स वाले? नहीं, लड़कियां जो मोबाइल में बैलेंस ज्यादा डालता है उसको पसंद करती है। ओके ओके, ये साजिद को उठाने। ओके साजिद को, यूनुस भाई आप भी एक और हम सॉन्ग लगा रहे हैं और उसके बाद आपने इस पर परफॉर्म करना और हम यहीं पे ब्रेक लेंगे। तू
जो है वो लोग बोलते हैं। इन लोगों के ये जो बाल हैं ये तुम लोगों ने कुछ कराया है या ये बिल्कुल फिर ऐसे ही स्ट्रेट ही आने लगे हैं? नहीं, मेरे तो स्ट्रेट टेक्सचर ठीक हो गया बालों का। हाँ, ये म्यूटेट हुई है चीजें, जीन्स म्यूटेट हुई है। अच्छा जी, अच्छा ले जा ले जा ले जा ले जा, उनका मखसूस एक एक्सेंट है। हाँ, बलोची लेजे में बोले शाहरुख चश्मा। ये भी चारित क्लिप के चीवड़ा बलूच और बलूचिस्तानी कल्चर प्रेजेंट करे गए, वो ना सिर्फ मजाक उड़ेनक बह गए बल्कि अंचे बूंदे तरीके अंचे घटिया तरीके आ बलूच फनकारानी सादगी है गुना यानी दो दो रबे दगे यानी तारीख है यानी कल्चर है मजाक उड़ेनक बह गए। मैं करा मर्ची मरागशा सहे गेस्ट साड़ी हाँ भले आनी तारुफा चे पीसरा मजदूर गोंडे ब्रेक के ब्रेक अपद माँ शुमारा होती मेहमान नियम का बरें वो आइन गुना हमें बाबता गप्तरान करें गोंडे ब्रेक के अपद।